डेथ हुई थी, जिसमें सास और बहू की नृशंस हत्या उन्हीं के घर के अंदर कर दी गई थी। और इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस वहां पर पहुंची। मौके पर जो एग्जिबिट्स थे या एविडेंस थे, पुलिस को उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के उपरांत घर वालों से बातचीत करी, कई अन्य तथ्य प्रकाश में आए। जो मृतका का जो पति था उसके ऊपर भी, वो भी संदेह के घेरे में था। कई सारे और बिंदु भी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, लेकिन फाइनली पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है अख्तर खां, एक है वारिस पुत्र मोहम्मद असलम। इसमें दो अन्य अभियुक्त भी हैं जो फरार चल रहे हैं, एक है अविनाश कुमार पांडे और एक है रवि सेठ। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि करीबन ये कबाड़ का काम करते थे, तो करीबन 13,000 रुपये में कुछ जो मृतका है और जो उसकी सास है, उनके घर में कुछ मटेरियल था, उस मटेरियल का सौदा इन कबाड़ियों के साथ उन लोगों ने तय कर लिया था और उसमें से 6,000 रुपये इन्होंने दे दिए थे। बाकी का जो पैसा है वो लगातार जो मृतका वाला जो पक्ष है वो उनसे मांग रहा था। इस बात को लेके इनमें झगड़ा व्याप्त था। जब नेक्स्ट टाइम ये लोग किसी कारण से वहाँ पर गए तो वो झगड़ा वहाँ पर बढ़ गया और हाथ में हथौड़ा था, क्या था, हथौड़ा था वहाँ पे, आला कत्ल, हाथ में आला कत्ल जो कि आपके सामने यहाँ पर बरामद भी किया गया है। उस आला कत्ल का इस्तेमाल करके जो सास थी उसके सर पर प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित कर दी गई। कुछ देर में जब बहू ऊपर थी, उसको जब पता लगा कि मेरी सास के साथ कुछ घटना हुई है और नीचे आवाज़ आ रही है, तो दौड़ती हुई नीचे आई, तो उसके साथ भी इन लोगों ने उसी तरह का व्यवहार करते हुए कुछ उसके सर पर हेड इंजुरी करी और हेड इंजुरी से उसकी भी मृत्यु कारित हो गई। उसके बाद दोनों बॉडीज को इन लोगों ने पिकअप करके बाथरूम के पास, जैसा कि आप लोगों ने भी सीन ऑफ क्राइम देखा होगा, वहाँ पर डाल दी। इन्वेस्टिगेशन चालू करते में कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए जिनसे ऐसा लगा शुरुआत में, क्योंकि परिवार को संदेह पति के ऊपर था, तो वो भी हमारी जो हमारी साइड से संदिग्ध लोग हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। तो इन दोनों लोगों को हमने पिकअप किया। इन लोगों की निशादेही पर कुछ ये सामान हम लोगों ने बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त भी करीब करीब कर ली गई है और इसके आधार पर अब पुलिस क्लियर कट बताने को तैयार है। दोनों परिवारों से भी इस पूरी घटना के मौके से जो ताला गायब था वो ताला भी पुलिस ने बरामद किया है। अन्य जो सामान लूटपाट जिस जो की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीली धातु की 4 अदद चूड़ी, पीली धातु की मोतीनुमा माला, उस समय ऐसा देखिए लग रहा था कारित कर दिया, तो कुछ सामान जो वहाँ पर पड़ा हुआ, वरंग पीला टाइमेक्स 1 अदद घड़ी, वरंग पीला टाइटन 2 अदद। जब उस लेडी की आवाज़ आई, क्यों किए हत्या, क्या मामला था, हैं जी ये सामान लेने, हाँ सामान, कैसा सामान, वही मशहरी उशहरी, तो मार क्यों, मार क्यों दिए तुम लोग, हाँ तुम मारे भैया, सर वो मशहरी लेने गए थे लेकिन वहाँ पे मशहरी की वजह से चोट लग गई, हाँ गए थे मशहरी लेने, किसी को मारने नहीं गए थे, हाँ वो बोला मसेदी जो ले रहे थे उससे घायल हो गई थी, घायल होके गिर गई थी, अच्छा वही डर से बचने के लिए